अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, लेट कर लेते हैं। ए एंड बी टू नॉन जीरो इंटीजर, देन एन इंटीजर एम विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दो इंटीजर लेने हैं हम लोगों ने, ए एंड बी। वो जो इंटीजर होंगे एनी इंटीजर, एक और इंटीजर ले लेना एम, उसके डिविजिबल होंगे तो वो हम क्या कहेंगे, वो कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व, सिक्स के मल्टीपल ये ऐसे सोन तक है, इनके सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी, ट्वेल्व के मल्टीपल्स ये हैं। कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आएंगे, ट्वेंटी फोर आएगा, फोर्टी ट्वेंटी फोर ट्वेल्व आएगा, ट्वेंटी फोर आएगा, थर्टी सिक्स आएगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इस ट्वेल्व, सबसे जो छोटा मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा, ट्वेल्व होगा। ठीक है, जो सिक्स होगा वो ट्वेल्व को डिवाइड करता होगा, ट्वेल्व भी सिक्स को डिवाइड करता होगा, जो सिक्स है वो भी ट्वेल्व को डिवाइड करता है, ट्वेल्व भी सिक्स को डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल की डिफाइन होगी। अब हम पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। लेट कर लेते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू जी विद ए बी कैन नॉट इक्वल टू जीरो, देन एनी इंटीजर एम विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये ए एंड बी इंटीजर लेने हैं, एक और इंटीजर लेना है एम, अगर वो फॉलोइंग जो प्रॉपर्टीज होंगे उनको फुलफिल करता होगा तो वो ए एंड बी का क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, ये देखें पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या, एम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से। अगर एम छोटा ही ज़ीरो से हो जाएगा तो वो सारी कंडीशंस को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। नेक्स्ट क्या, ए डिवाइड करना चाहिए एम को, मीन के जो फर्स्ट वाले जैसे सिक्स था वो ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा था ना, मीन के जो ए था वो किसको डिवाइड करना चाहिए, एम को, ए डिवाइड करना चाहिए एम को। अगर ए ने एम को डिवाइड किया और बी ने भी एम को डिवाइड किया, बी क्या था हमारे पास बारह था और एम भी क्या था बारह था, तो ए बी डिवाइड कर रहा था, ए भी डिवाइड कर रहा था एम को और बी भी डिवाइड कर रहा था एम को, तो ये पहली के दो कंडीशन तो होगी फुलफिल, मीन के एम भी ग्रेटर देन ज़ीरो और ये भी फुलफिल करता हो। ठीक है, इफ़ सी बिलोंग्स टू जी इज़ द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, अगर सी ए कोई और इंटीजर लेते हैं वो किसका किसको बिलोंग करता हो, जी से बिलोंग करता हो और कॉमन मल्टीपल ऑफ हो ए एंड बी का, तो क्या होगा, एम किससे डिवाइड करेगा, सी से। मीन के कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आ रहा था, ट्वेल्व आ रहा था, ट्वेल्व किससे डिवाइड करता है, एम को डिवाइड करता है, करता है। कॉमन मल्टीपल भी एम को डिवाइड करेगा, मीन के लीस्ट कॉमन मल्टीपल और मल्टीपल एम को डिवाइड करना चाहिए, कॉमन मल्टीपल भी और लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी वो एम को डिवाइड करता है। ठीक है, आगे सिक्स ले लें वो भी एम को डिवाइड करता है, आगे ट्वेंटी फोर ले लें वो भी एम को डिवाइड करता है, इनके सारे एम को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये थ्री कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब इसको शो कैसे करते हैं, इट इज़ डोनेटेड बाय, इसको लेस देन और ग्रेटर देन साइन लगाते हैं ना हम लोग ऐसे और ऐसे, तो जो भी वैल्यूज होती हैं ए बी के इर्द गिर्द लेस देन ग्रेटर देन की वैल्यू लिखी हो और आगे लिखा हो एम, तो वहीं से समझ जाना चाहिए कि ये किसका बता रहे हैं, लीस्ट कॉमन एलिमेंट का बता रहे हैं। जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल होता है उसके ऐसे ब्रैकेट होती है और जो लीस्ट होता है उसके इर्द ऐसे ब्रैकेट होती है। ठीक है, अब जी सी डी मोर देन वन इंटीजर, अब वो तो हम लोगों ने एक दो इंटीजर्स का पढ़ा था, मोर देन टू इंटीजर्स मीन के ए और बी का बड़ा था, अगर इंटीजर ज़्यादा सारे हो जाए तो उसका जी सी डी क्या होगा। लेट कर लेते हैं ए बी ए वन ए टू ए सोन बी एन इंटीजर, देन एन इंटीजर्स टी इज सैड टू बी द जी सी डी ऑफ इस सारी वैल्यू का, मीन के ए वन ए टू ए थ्री एन ए एन सोन इफ डी क्या हो ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, डी क्या हो ग्रेटर देन ज़ीरो, और जो डी होगा वो किसको डिवाइड करता हो, डी ए को भी डिवाइड करता हो, डी ए टू को भी डिवाइड करता हो, डी ए थ्री को भी डिवाइड करता हो, डी ए एम को भी, इनके सबको ही डिवाइड करता हो। और इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी बिलोंग्स टू जी सच डैट
सी डिवाइड करता हो ए वन को, सी डिवाइड करता हो ए टू को, सी डिवाइड करता हो ए एन को, एंड सो ऑन, देन सी डिवाइड किसको करता हो डी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफाइन थी, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, पेपर में लाजमी आती है।